हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सुर आई एम गोइंग टू सोल्व प्रॉब्लम जो कि जे 2016 में पूछा गया था एंड uh, ये हिस्टेसिस लूप से रिलेटेड है सो so यहाँ पर हमें बी एच कर दे के रखे हैं दो दैट इज फिगर फिग एंड दैट इज फिगर बी बेसिकली दिस इज बी एच दिस इज बी एच बट दिस इज फिगर ए दिस इज फिगर एंड दीज मटेरियल्स आर यूज टू मेक मैगनेट्स फॉर इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ट्रांसफार्मर कोर्स एंड इलेक्ट्रो मैगनेटिक कोर्स इलेक्ट्रो कोर सो देन इट इज़ प्रॉपर टू यूज सो स्टूडेंट्स यहाँ पर बेसिकली हमें स्केल तो नहीं दिया गया लेकिन ग्राफ को कंपेरेटिवली देख के हमें यह पता लगाना है कि कौन सा ग्राफ कौन सी एप्लीकेशन के लिए मोस्ट सुटेबल है तो अगर हम यहाँ पर बी ग्राफ को देखते हैं तो अगर हम फॉर अ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डी मैगनेटाइजेशन देखें तो इस बी एच ग्राफ का जो एरिया है वो स्मॉल है इसका एरिया स्मॉल है इन कंपैरिजन टू दिस यहाँ का जो एरिया है वो लार्ज है स्मॉल तो एरिया जो है बी एच ग्राफ का जो एरिया रहता है वो बताता है एनर्जी लॉस इट गिव्स एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ये हमें देता है एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम सो ये वाला जो ग्राफ है जिसे हम ऑप्शन बी या ग्राफ बी कह रहे हैं यहाँ पर एनर्जी लॉसेज पर यूनिट वॉल्यूम कम है तो ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो एप्लीकेशन है वहां पर हमें इसी तरह के मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ता है जहाँ पर एनर्जी लॉसेस कम हो बिकॉज ये मटेरियल जो है दे गो थ्रू रिपीटेड एक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैगनीटाइजेशन सो बी का जो एरिया है वो कम है और मीन जहाँ पर एनर्जी लॉसिस पर वॉल्यूम कम होंगे इन कम्पेरिजन टू दिस ए फिगर सो ऑब्वियसली हम बी का इस्तेमाल करेंगे फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफॉर्मर एप्लीकेशन तो इन सभी ऑप्शंस में जो हमारी ऑप्शन डी है वो सूटेबल है बी फॉर इलेक्ट्रो मैगनेट्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स सो यहाँ पर हमने बेसिकली एरिया से इसको पता लगा लिया अदरवाइज हमें कई बार प्रॉब्लम्स में कोरिविटी रिटेंटिविटी का वैल्यू दे के रखा होता है स्केल दे के रखा होता है यहाँ पर हमें कम्पेरेटिव करना है वी आर रेजूमिंग कि दोनों का स्केल तो सेम ही है क्योंकि दोनों में ही स्केल नहीं दिया है ग्राफ में सो so, हमने सिंपल एरिया से कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ पर बी एच कार का एरिया कम है एनर्जी लॉसेज पर यूनिट वॉल्यूम कम रहेंगे तो ट्रांसफार्मर और इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन के लिए ये मटेरियल जो है वो सूटेबल रहेगा बिकॉज वहाँ पर रिपीटेड साइकल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डी मैगनेटाइजेशन रहेंगे सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड ट्रांसफार्मर्स थैंक यू